ताजातरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। लॉकडाउन के दौरान जहां पूरा देश कोरोना को हराने में लगा हुआ है, वहीं आम लोग और गरीब लोगों का जो दर्द है उसको भी समय समय से प्रशासन और सरकारों द्वारा बांटा जा रहा है। नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24 सच की आवाज। लेकिन कुछ ऐसे भी परिवार हैं जिनको अभी भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बात करते हैं जिला गुरदासपुर के बटाला की। यहाँ पर एक कलाकार जो कि जागरण करके अपने घर का गुजारा करता था और अब लॉकडाउन में जगराते, शादी समारोह और स्टेज लगाने का काम बंद पड़ा है, जिसके चलते उसको सब्जी की रेहड़ी लगाकर अपने घर का गुजारा करना पड़ रहा है। अगर बात करें उस शख्स की, उस शख्स के पास कलाकारी इतनी है कि जितनी हम कह नहीं सकते। उस कलाकार द्वारा मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, मुकेश कुमार, रजनीकांत, राजकुमार और अजीत आदि फिल्मी कलाकारों और गायकों की आवाजें निकालकर लोगों का मनोरंजन भी किया जाता था। लेकिन अब लॉकडाउन में उस परिवार को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उसके तीन भतीजे हैं जिसमें से दो अंगहीन हैं। उनमें से एक भतीजा जो अंगहीन है, डांस का बहुत बढ़िया प्लेयर है, स्टेज लेवल तक डांस के करतब दिखाकर और पुरस्कार प्राप्त करके लाया है। लेकिन सरकार द्वारा उस अंगहीन लड़के को कोई भी मदद अभी तक नहीं मिली है। यह परिवार इतना गरीब है कि इनको अब अपनी दो वक्त की रोटी कमाने के लिए भी लाले पड़े हुए हैं। कलाकारी के होते भी अब इनको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस परिवार ने प्रशासन और सरकार को कोसते हुए कहा कि सरकार और प्रशासन को हमारे जैसे न जाने कितने गरीब लोग हैं जिनको दो वक्त की रोटी कमानी मुश्किल पड़ रही है, उन परिवारों के लिए प्रशासन और सरकार को इंतजाम करने चाहिए ताकि वह परिवार कम से कम पेट भर कर खाना खाकर सो सके। प्राइम न्यूज 24 के लिए जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। ते वाजां कड़ के सुनावांगा, अजीत दी बात सुनावांगा। सारा शहर हमें लो इनके नाम से जानता है, इसमें कोई शक नहीं। जैसे कि एक जंगल में शेर, इस शहर में एक नया इंस्पेक्टर आया है जो जरूरत से ज्यादा ही, यही अजीत। और एक आवाज कटांगा राजकुमार दी, जानी जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर में पत्थर नहीं फेंका करते। जानी कामयाब वही होते हैं जिनके हौसले बुलंद होते हैं। ऐसी दो तीन आवाजा। ते एक आवाज और कटांगा मोहम्मद जी दी, आज कलिया दी कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद, याद आने से पहले चले आइए और फिर जाइए जान जाने के बाद, आज कल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। मैं भंगड़े में बाबा साहब के 11 भंगड़ा करता रहा वहाँ, तो अपने पढ़ाई भी मैं पढ़ना, तो स्कूल बंद किए रहे लॉकडाउन करके, तो मैं बेनती है कि स्कूल खोले जान, इस करके मेरी पढ़ाई पिछे पै रही है। मैं चाहना कि मैं पढ़ लिख के तो नौकरी लगा कि अपने घर का किसी बनावा कुछ, तो बेनती करके स्कूल खोले जान इस करके, तो लॉकडाउन करके स्कूल नहीं जा पाया, साड़ी पढ़ाई खराब हो रही है। तो मैं भंगड़े में भी जाना, भंगड़ा प्लेयर हाँ भंगड़े का, उड़ीसा उड़ीसा तक मैं गया हाँ, स्टेट लेवल गया जी। तो कोई सरकार वालों मदद मिली नहीं जी? मदद तो कोई नहीं मिली सरकार वालों।
ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਅੱਠਵੀਂ ਚ ਕਰਕੇ।